हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली कूल कलेक्शन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है रेनू और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइज, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ मेरा कुर्ती कलेक्शन, फेस्टिव वेयर। एक्चुअली आजकल वैसे भी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए अपना कुर्ती कलेक्शन। तो आप बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। तो चलिए शुरू। तो गाइस, सबसे पहली कुर्ती जो है वो है ये येलो कलर की, अनारकली टाइप की है ये। इस तरह की इसकी जो स्लीव्स है हाफ है और नेहरू कॉलर है इसका, और कुछ इस तरह की नेक पे ये ड्रेसेस लगे हुए हैं, और इस पे ये मिरर वर्क भी है। ये देखिए येलो कलर का, इसमें ब्लू और रेड का काम हुआ हुआ है। इसको मैं पेयर करती हूँ रेड कलर की लेगिंग के साथ। बहुत ही सुंदर पीस है। तो गाइज, ये थी येलो कलर की कुर्ती। ये पूरे पे ही ऐसे लगा हुआ है नीचे तक, और इसके नीचे इस तरह की ये फ्रिल टाइप ऐसे बना के लगाया हुआ है रेड कलर का पूरा ही, और यहाँ से थोड़ा सा स्लिट है बिल्कुल बॉटम से, बस इतना इतना ही स्लिप पोर्शन है इसका। वीडियो में आपको पूरा शो हो जाएगा ये। तो गाइस, ये थी येलो कलर की कुर्ती फर्स्ट वन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड वन। तो गाइस, ये है दूसरी कुर्ती, गाजरी कलर की है। ये स्ट्रेट कुर्ती है, इसके पूरे नेक पे इस तरह का वर्क है पूरा मोतियों वाला, और ये मिरर वर्क है। बहुत ही सुंदर पीस है, पार्टी वियर फेस्टिवल लुक के लिए भी बहुत ही अप्रोप्रिएट है। बहुत सुंदर लगता है पहन के, और इसकी स्लीव पे भी कुछ इस तरह से डिटेलिंग दी हुई है। देखिए 3/4 स्लीव है इसकी, और इसके बैक पे भी इस तरह का सेम डिज़ाइन है, फ्लावर बना हुआ है। देखिए बड़ा सा लगाया हुआ है इन्होंने स्टोन, उसके चारों तरफ ये मिरर वर्क है और ये स्टोन्स लगे हुए हैं। ये मैंने जो पहला कुर्ता था मेरा, वो भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था, और ये वाला भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया है। और इसके नीचे फ्रंट साइड में कुछ इस तरह के बीट्स ही लगे हुए हैं, 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, और बैक पे भी सेम लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा पीस लगता है ये, फेस्टिव एप्रोप्रिएट है, बहुत ही बेटर। और इसके साथ जो मैं पेयर करती हूँ वो है ये पैंट। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी, एंकल लेंथ पैंट है ये, इलास्टिक है दोनों तरफ, और दोनों साइडों में इसकी पॉकेट भी है, दोनों साइड में बहुत। और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब कॉटन नहीं है पर काफ़ी ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा है, काफ़ी पहन के बहुत फ्लेयरी सा लगता है, मतलब बहुत ही स्मूथ सी फिनिशिंग आती है। और ये एंकल लेंथ है, बहुत ही सुंदर लगता है इसके साथ डाल के, क्योंकि इस पे गोल्डन स्टोन्स और लगे हुए हैं, मिरर वर्क हुआ है, थ्रेड वर्क, इसलिए बहुत सही जाता है इसके साथ। पूरा लुक इसका मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में।
ठीक है, इस तरह का। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कुर्ती सेट की तरफ। तो गाइस ये है नेक्स्ट कुर्ती सेट, ये पूरा सेट है, ब्लैक कलर का है और ये इस पर मेहंदी कलर का स्लीव से बॉर्डर है और ये इस पर टेसल्स लगे हुए हैं, एक्चुअली बहुत लंबे हैं, मैंने भी टाई अप किए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से बीट्स लगे हुए हैं वाइट और ऑरेंज, और इस पर इसका राउंड नेक है, इस पर भी कुछ स्टोन लगे हुए हैं इस तरह से। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, पूरे फ्रंट पे इसी तरह से स्टोन लगे हुए हैं। तो ये सिंपल है, सोबर है, काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना चमक धमक भी नहीं है, आप छोटे मोटे फंक्शन में इसको डाल सकते हैं। बैक से भी सेम है, पर बैक पे इस पर स्टोन्स नहीं है, बिना स्टोन्स का है ये, पीछे से वो काफ़ी शॉर्ट नेक है इसका, 3/4 स्लीव है, दोनों तरफ लगे हुए हैं डोरियाँ ये इस पर। और इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ था वो है ये शरारा मेहंदी कलर का, ये इसमें नाड़ा दे दिया था। ये है शरारा इस तरह से, इसमें पॉकेट नहीं है, कुछ इस तरह का है ये पेयर, ब्लैक और मेहंदी, काफ़ी अच्छा पेयर है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है पहनने के बाद भी। ट्राई ऑन में आपको दिख जाएगा वीडियो में कैसा लगता है, कुछ इस तरह का इसका कॉम्बिनेशन आता है, बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत सुंदर। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। तो ये है वो ड्रेस, एक्चुअली ये कुर्ता कम ये गाउन ड्रेस है, ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, इसकी डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ इस तरह का, इसमें मैंने स्लीव्स लगवा लिया, ये विदाउट स्लीव था, पर इस विदाउट स्लीव है लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी थी ये ना, मतलब काफ़ी यहाँ तक आ रहा था, तो इतना मैं कम्फर्टेबल नहीं थी बिल्कुल इसको वियर करने में, तो मैंने इसलिए जो मैंने ऑल्टर कराया था इसको, इसी का कपड़ा बचा था तो इसी से मैंने स्लीव लगवा लिया, इस तरह के अम्ब्रेला स्लीव करवा लिया। राउंड नेक है, छोटा नेक है इस, और ये कंपनी है मिस्टेज का है इस तरह से, अम्ब्रेला है नीचे से, अम्ब्रेला कट काफ़ी सुंदर है, क्योंकि यहाँ से ये प्लेन है, ये ऐसे बेल्ट टाइप कुछ है, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये ना पूरा इस पर नेट है, ये देखिए नेट है ये लगते हैं, और अंदर इस पर कुछ साटन का कुछ ऐसे लगा हुआ है, साटन तो नहीं, थोड़ा कॉटन मिक्स कपड़ा है, जिससे ये लुक आ रहा है बीज कलर का जो आ रहा है, ये है वाइन कलर, पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, घेरा काफ़ी अच्छा है इसका, और इसके बैक पे ये लगा हुआ है एक लूप बटन, इलास्टिक वाला है, और ये ऐसे की होल इसमें बना हुआ है, बैक से भी सेम ही है, बिल्कुल सिंपल है पर बहुत प्रिटी लगता है। तो क्योंकि यहाँ से ये पूरा प्लेन सा था, तो मतलब ये बेल्ट ऐसे कुछ आई हुई है, तो मैंने इसके साथ लगाने के लिए एक बेल्ट परचेस की है, वो मैं दिखाती हूँ, दिस वन, ये बेल्ट भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ली थी, इस तरह से स्ट्रेचेबल है, कोई भी इसको वेयर कर सकता है, ऐसा नहीं है साइज का इशू कुछ नहीं है, फ्री साइज है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो इसमें यहाँ पे जब ये लगता है ऐसे पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी सुंदर लुक आता है इसके साथ, जब ये यहाँ पे बीच में रहता है बहुत ही प्रिटी लगता है। तो ये थी हमारी आई थिंक 4th ड्रेस, यस, ये है इसका लुक पूरा।
तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो ये भी शरारा सेट है एक, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। दिस इज द कुर्ता, चंदेरी कॉटन पीच कलर। ये है इसका नेक, बहुत ही प्रिटी है, राउंड नेक है, इस तरह से सिल्वर थ्रेड से काम हुआ हुआ है। इसका जरी, स्टोन्स लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, स्ट्रेट कुर्ता है और इस पर ये स्क्वायर थ्रेड वर्क से काम हुआ हुआ है पूरे कुर्ते पे। और नीचे इसके लगा हुआ है ये लेस गोल्डन कलर की, दोनों साइड आगे भी और पीछे भी दोनों साइड लगी हुई है। और बैक साइड से कुछ इस तरह से है। ये एक्चुअली इस तरह से इसका नेक था, लेकिन ये मुझे पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। एक्चुअली इतना डीप मैं नहीं डालती हूँ, तो मैंने इसमें ये अलग से कपड़ा लगाया हुआ है गोल्डन कलर का। देखिए इतने पोर्शन पे, पर ये इसके लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। और ये इसमें ले डोरी लगी हुई है, 3/4 स्लीव है इसकी भी, बाजू पे कोई काम नहीं है, सिंपल है, प्लेन है। यहाँ पे पाइपिंग लगी हुई है स्लीव्स पे साइडों में। काफ़ी सोपर तो नहीं है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने के बाद ऐसा नहीं कि इतना पार्टी वियर है तो चुभता होगा, बिल्कुल भी नहीं चुभता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये लेंथ भी अच्छी है, बहुत ही प्यारा पीस लगता है। और इसके साथ जो आया था वो आया था शरारा, ये है शरारा जिसमें पॉकेट भी है फ़ोन रखने के लिए, वैसे भी लड़कियों को तो चाहिए होता। तो गाइस ये है शरारा, काफ़ी अच्छा घेर है इसका, पहनने के बाद स्कर्ट जैसा लगता है, बिल्कुल इलास्टिक, काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। और ये भी बिल्कुल चुभने वाला कपड़ा नहीं है, मेल लेस लगी हुई है यहाँ, और ऐसे ही बॉटम पे भी दो लेस लगी हुई है, बहुत ही सुंदर पेयर लगता है। और ये है हमारा क्रीम कलर का, और कुर्ता है इसका पीच कलर का। तो गाइस ये था आज का कलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो यही वाला पार्टी वेयर काफ़ी अच्छा है। और जो गाउन दिखाया था मैंने वो वाला भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल सोवर पार्टी में डालने के लिए, हल्की फुल्की जो आपके फंक्शन होते हैं उसमें डाल सकते हैं, बर्थडे पार्टी हुई, एनिवर्सरी हुई, उस पर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेट है। तो गाइस ये थी अब तक की वीडियो, तो आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो देख के, और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, और मेहनत करती रहूँगी आगे, होपफुली अच्छी बन जाए, और भी ज़्यादा इसमें मतलब आपके लिए मैं कंटेंट लेकर आ पाऊँ और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए शूट कर पाऊँ। तो गाइज अब तक के लिए नमस्कार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।